हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब क्या है, हमको डिटरमाइन करना है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। इसे समझते हैं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 दे रखा है, और जी एक्स हमको जो फैक्टर दिया हुआ है वो है x प्लस 1। तो हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इस जी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। तो हम इस -1 की वैल्यू इस पॉलीनोमियल पे पुट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 1 का -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, यार 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, प्लस -1 का स्क्वायर होता है +1, और माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और -1। तो इसे सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा और -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 0 आ रहा है इसे सॉल्व करके, तो ये इसका फैक्टर होगा, मतलब जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन दिस क्वेश्चन। तो हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, इसका तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, पी एक्स दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और जी एक्स हमको दे रखा है x+2। तो हमारा ये फैक्टर हो गया, ये पॉलीनोमियल हो गया, तो हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो x+1 को हम जी एक्स को हम यहाँ पर से 0 पुट कर लेंगे, तो x+2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, ठीक है, एक्स की। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस पॉलीनोमियल पे, तो पी -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं, -2 का होल क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो माइनस है और ऑड टर्म यहाँ पर है पावर में, तो -8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, तो प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -8 प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पर से 4, एंड ये -6 प्लस 1 -5, तो आंसर में आ रहा है -1। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इट मींस ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स इन दैट क्वेश्चन। तो अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, तो पी एक्स इसमें दे रखा है x³ माइनस 4x² प्लस x+6, एंड जी एक्स दे रखा है हमको x-3। तो हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जी एक्स को फैक्टर थ्योरम से 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो x-3 को हम 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ ये माइनस में है तो यहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम इस x की वैल्यू इस पॉलीनोमियल पर पुट करेंगे, अगर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इट मींस ये इसका फैक्टर है, तो p³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6। तो सॉल्व करते हैं, 3 जे 9 एंड 9 3 जे 27, तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। तो 27 माइनस 9 4 जो होता है 36 प्लस 3 प्लस 6। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, है 0। तो इसका मतलब जी एक्स जो x-3 है ये इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।